हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े बड़े अपडेट्स और जानकारी की, और वो है डीए बढ़ने को लेकर। तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ चुका है, इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों के भी डीए जल्द बढ़ेगा, इसको लेकर फाइल आगे पहुँच चुकी है। पूरी अपडेट्स आपको इस वीडियो में देंगे। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बुधवार का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने यानी मोदी सरकार ने दिवाली से पहले ही बड़ा तोहफा देते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा कर दिया है। अब इसके बाद मिलने वाला जो डीए है अब 42% से बढ़कर 46% हो गया है, यानी 42 से 46 हो गया है। पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार भी 4% डीए हाइक मिल सकता है। सरकार के इस फैसले से देश के करीब 1 लाख केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को फ़ायदा होगा और उनकी सैलरी पेंशन में भी जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। डीए की बात करें तो डीए अभी वर्तमान में 42% चल रहा है, तो अभी घोषणा होने के बाद 42 से बढ़कर 46% हो जाएगा महंगाई भत्ता। नरेंद्र मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया गया है, 4% डीए लगाया गया है। अब ये 46% हो गया है, इसका लाभ 1 जुलाई 2023 से मिलेगा, यानी जुलाई से मिलेगा। और डीए में बढ़ोतरी के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी उछाल देखने को मिलेगा। साल 2023 के लिए सरकार ने पहला संशोधन करते हुए 24 मार्च 2023 को डीए हाइक का ऐलान किया था, तब 38% डीए था, जिसे 4% बढ़ाकर 42% कर दिया गया था। इसके बाद इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों पेंशनरों के लिए 1 जनवरी 2023 से मिल रहा है। तो पहले जो 38 था उसे 4% बढ़ाकर 42 किया गया था और 1 जनवरी से लागू था। अब जो डीए है 4% और बढ़ा दिया गया है, अब जो है ये 1 जुलाई 2023 से मिलेगा इसका लाभ। अब हो गया है डीए 42 से बढ़कर 46%, यानी 42 से 46% हो गया है। बात करें तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी डीए बढ़ने के आसार हैं और जल्द ही बढ़ेंगे, इसको लेकर खबर आ रही है कि जयपुर में केंद्र की तर्ज पर ही राज्य में भी 4% डीए बढ़ने के लिए ईसीआई भेजा जा सकता है प्रस्ताव, यानी प्रस्ताव आगे भेज दिया गया है, इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा, क्योंकि अभी चुनाव आचार संहिता चल रही है। चुनाव आचार संहिता में कोई भी निर्णय लेने के लिए कर्मचारियों के स्तर पर हो या कोई बड़ा निर्णय हो तो इलेक्शन कमीशन जो है अगर प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो राज्य कर्मचारियों के भी 4% डीए बढ़ जाएगा। इसके लिए ACS वित्त विभाग ने मंगवाई है फाइल, नॉन गजेटेड कर्मचारियों के दीपावली बोनस की भी मंगवाई है फाइल। इस फाइल को स्वीकृति के लिए भेजा जा सकता है ECI यानी इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। इसमें डीए भी हो सकता है और साथ ही इसमें दीपावली बोनस को लेकर भी फाइल भेज दी गई है। तो अब जल्द ही इसके ऊपर अगर चुनाव आयोग स्वीकृति देता है तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी ये ऑर्डर जारी हो जाएंगे। तो कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर ये है कि 4% डीए बढ़ गया है उनका केंद्र कर्मचारियों के लिए, अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के भी जल्द बढ़ जाएगा। धन्यवाद।